नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाडी है। बाजार की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है। किस कृषि फसल के अंदर वायदा बाजार में NCDX पर कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है। आगे किस कृषि फसल के अंदर कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। किस कृषि फसल के अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कैसा सीड से। तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का दिसंबर वायदा शाम के कारोबारी सत्र में 6206 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सोमवार को जो कैसा सीड का वायदा बाजार 6000 की क्लोजिंग देने के बाद, 6000 के लेवल्स की लगभग क्लोजिंग देने के बाद 6100 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। अब वो धीरे धीरे 6200 के करीब आ रहा है और 6200 के स्तर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2809 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.2% की तेजी। बिनौला खल में देख रहे हैं कि 2700 का लेवल पे एक रेंज में रहने के बाद बिनौला खल 2800 पर आज ट्रेड करता दिख रहा है। हमने बिनौला खल को 2800 का लेवल भी टच करते हुए देखा है बीच बीच में, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों में अभी एक अच्छी लंबी तेजी देखने को नहीं मिल पाई है। लेकिन जानकारों के अनुसार बिनौला खल में आगे तेजी का ही रुझान है। बिनौला खल की कीमतों में आगे तेजी ही देखने को मिल सकती है। बात करें यहाँ से अगर धनिया की, तो धनिया का दिसंबर वायदा देख रहे हैं कि 8874 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 9020 का हाई लगा चुका है, लगभग 1.5% की तेजी है। देख रहे हैं कि धनिया का दिसंबर वायदा सुबह को 9000 के ऊपर जो ट्रेड करता नजर आ रहा था, अब शाम होते होते 8800 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन 9020 का भी हाई लगा चुका है। धनिया में हम देख रहे हैं कि पाइपलाइन खाली होने, बुआई कम होने और डिमांड लगातार बने रहने की वजह से धनिया की जो कीमतें हैं वो लगातार तेजी की ओर बनी हुई हैं। लेकिन वायदा में अभी और अच्छी तेजी आना बाकी है, जो आपको साल 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 16075 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 16370 का हाई लगा चुका है। हमने आज सुबह के कारोबारी सत्र में देखा था कि जीरे का वायदा बाजार, दिसंबर वायदे की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो 16300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा था, लेकिन फिर वहाँ से ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी है। हालांकि कीमतें अभी भी हरे निशान पर ही हैं, 16370 का हाई अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन 16370 के मुकाबले अब कीमतें 16075 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही हैं और अभी भी हरे निशान पर देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ से अगर हल्दी की, तो हल्दी का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 7600 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 0.5% की तेजी है। आप बता दें कि हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक भी ज़्यादा है, जो क्रॉप होगी, जो माफ कीजिए, हल्दी की आगे जो फसल होगी यानी कि जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वो अच्छी बताई जा रही है, क्योंकि इस बार मानसून की भारी बारिश ने काफ़ी सपोर्ट दिया है, फर्टिलिटी ज़्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतों में आगे तेजी कम बताई जा रही है। लंबी तेजी जब तक नहीं देखने को मिल सकती जानकारों के अनुसार हल्दी में, जब तक हल्दी की कोई अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने नहीं आ जाती है। मसालों पर और कैस्टर पर और अन्य कृषि फसलों पर भी अपने एक्सपर्ट की राय जानेंगे, जो कि हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में हमने हल्दी की क्रॉप पर भारी बारिश होते देखी है। खबरें निकल के सामने आई है कि हल्दी की 40-50% जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है, लेकिन जो माल है मंडी जो हाजिर के अंदर और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। तो हल्दी की कीमतों में बता रहे थे कि जो खरीदार हैं वो हल्दी का पुराना स्टॉक की खरीदारी ना करके नई जो क्रॉप है उसकी आवक पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि नई क्रॉप की जब आवक होगी तो उसके जो प्रोडक्ट, उसकी जो हल्दी होगी वो ज़्यादा खरीदी जाए, यानी कि नई हल्दी की खरीद ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं हल्दी में एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिलेगी और किस कृषि फसल में सबसे अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सिवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे मसालों के ऊपर बात करना चाहूँगा। आज हमने धनिये को 8800 के बाद 9000 के ऊपर ट्रेड करते देखा था सुबह में, लेकिन फिर देख रहे हैं कि 8800 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी धनिये में
9000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं देखने को मिल पा रही है? जी देखिए, जहाँ तक आप दिसंबर वायदा की बात करें तो वो तो लगभग 8800 के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन जनवरी वायदा जो है अब फिलहाल हम 8650 के करीब देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ समय डेफिनेटली बिता रही है, प्राइसेस जो है एक दायरे में है, क्योंकि अपसाइड में 8800 से 8900 और डाउनसाइड में 8400 के करीब काफी कंसोलिडेशन हो पा रही है। मुझे लगता है कि एक दायरे का कारोबार है, लेकिन इवेंचुअली जो फंडामेंटल है, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, वो प्राइजेस को ऊपर लेके जाएंगे। और मेरा मानना है कि अच्छे 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर हमें बेहतर लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अभी भी अगर कोई निवेशक बाय में है तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा और पेशेंस रखें, इवेंचुअली प्राइस जो है वो 9000 के स्तर को छू सकती है और क्रॉस भी कर सकती है। जी, ये समय जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में आज हमने 16300 के ऊपर ट्रेडिंग होते हुए देखी थी मॉर्निंग में, लेकिन आप देख रहे हैं कि 16000 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या जीरे में यहां से अभी तेजी बनेगी या फिर जीरा भी अभी धनी की तरह एक रेंज बाउंड में रहेगा? जी देखिए, मेरा मानना है कि जीरे में तेजी के आसार दिख रहे हैं। आज हमने हालांकि 16300 देखा था और क्लोजिंग भी कुछ खास नीचे नहीं हो रही है, 16250 के या 45 के करीब के ट्रेड अभी चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो 16700 से 16800 के हाईज हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले देखे थे, अब वो दोबारा दिखने की अच्छी संभावना है। और रिसेंटली तेजी के साथ ही ट्रेड किया है पिछले 1 हफ्ते या 10 दिनों में, तो वो जो ट्रेड है जारी रहेगा। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि प्रॉफिट बुक करके चलने तो बेहतर रहेगा, यानी अगर किसी दिन 200 से 250 रुपए की तेजी दिखती है तो वहां बुक कर लिए, और उसके बाद में जब फॉल आया 200 से 250 रुपए का तो वहां से फिर ले लिए, तो इस तरह हम इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज के लिए हो सकता है 16800 आने के लिए और 1 महीने का समय बीत जाए, यानी नेक्स्ट 1 महीने में करीबन 4 से 5% की तेजी दिखाई दे, ये पॉसिबल है। जी, ये समय जी बात करें अगर हल्दी की, टर्मेरिक की, तो टर्मेरिक में देख रहे हैं कि 8000 के भी लेवल्स आते हुए देखे हैं, लेकिन फिर वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली और अब 7600 के लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या हल्दी में आगे तेजी देखने को मिलेगी या फिर हल्दी एक ऐसी सीमित दायरे में रह जाएगी? जी मेरा मानना है कि हल्दी में तेजी की हमने पहले भी बात की है और 9000 के काफी करीब फिलहाल ट्रेड कर रही है, आज भी लगभग 2.5% ऊपर जनवरी अप्रैल वायदा जो है चल रहा है। मेरा मानना है कि 9300 के स्तर हमें बहुत ही जल्द देखने मिल सकते हैं, यानी आने वाले अगर मैं 2 हफ्तों की बात करूं तो ये पॉसिबल है कि करीबन 4 से 5% की तेजी यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है। तो मैं हल्दी में लॉन्ग रहना ही प्रेफर करूंगा, एक आध दिन में अगर करीबन 70 से 80 पॉइंट की करेक्शन आती भी है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है, और जब तक 8650 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रही है तब तक डिप पे बाइंग करके 9300 से 9400 के लक्ष्य लेके चला जा सकता है। जी, ये समय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो कॉटन सीन ऑयल के एक में आज हम देख रहे हैं कि ये 2500 के ऊपर का हाई लग चुका है और 2500 के ऊपर ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, बिनौला खल में 2700 के लेवल्स पर जो ट्रेडिंग हो रही थी और 2800 का लेवल बाबर टच होते रहने के बाद, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं बनी, आपको क्या लगता है, आप क्या बिनौला खल में यहाँ पर आज से 2800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी? क्या बिनौला खल यहाँ से और तेजी की ओर जाता नजर आ सकता है या फिर अभी भी बिनौला खल में कुछ ट्रेडिंग सेशंस और एक सीमित दायरा रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल से दायरे में से तो निकल चुका है, क्योंकि जब वो 2600 या 2700 पे भी था तो यही थी कि 2800 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो 3000 के स्तर जो है वो एक लक्ष्य की तरह लिए जा सकते हैं। तो अभी भी मैं वही कहूंगा, पिछले हफ्ते जब हमारी बात हुई थी तो 2720 के करीब बैंक की रिकमेंडेशन थी, वहां से हम लगभग 100 रुपए ऊपर सेट कर रहे हैं, और आज भी मैं यही कहूंगा कि लगभग 2790 के करीब मिलता है तो बैंक पोजिशन बनाई जा सकती है 2720 के नीचे के स्टॉप लेकर, और लगभग 2970 के इमीडिएट टारगेट लिए जा सकते हैं, जो हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में या 2 सेशन में हमें देखने मिल जाए। जी, ये समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो जब आपसे आखिरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि ग्वार गम ग्वार सीड में तेजी देखने को मिल सकती है छोटी अवधि में, वही तेजी हम आप भी बनते देख रहे हैं। आपने जो लेवल दिया था ग्वार गम का कि 11100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, आपका टारगेट अचीव हो चुका है वो वाला। और ग्वार सीड में भी जो आपने बोला था कि 6100 से 6200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वो टारगेट भी आज आपका अचीव हो चुका है। अब यहाँ से ग्वार में आपको क्या लगता है, क्या ग्वार में यहाँ से तेजी जारी रहेगी और कितनी अवधि के लिए? जी बिल्कुल, देखिए 5600 का जो सपोर्ट बाजार ने लिया है, वहां से हमें बाइंग
सपोर्ट भी देखने मिला जो निवेशक है जो लंबी अवधि के लिए खेलते हैं वहां पर उन्होंने भी बाइंग की है ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो उसके चलते तेजी की संभावना थी जो आज लक्ष्य पूरे हुए हैं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें ग्वार सीड में देखने मिलेगी जहां पर दाम 2 से 2 से 3 सेशन में हो सकता है 6,000 के करीब भी देखने मिले, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ये जो तेजी है ये और थोड़ी सस्टेनेबल है। नेक्स्ट जो मैं लेवल दे रहा हूँ वो करीबन 6,280 का दे रहा हूँ, 6,300 के काफी करीब जो एक लक्ष्य की तरह लिया जा सकता है। उसी तरह ग्वार गम में भी 11,100 का लक्ष्य हासिल हो चुका है, तो ये पॉसिबल है कि हम 10,850 से 10,900 के स्तर इनिशियली देख पाए, लेकिन वहां पर मैं फ्रेश पोजिशन बनाने की सलाह दूंगा। बाइंग के साइड डाउन साइड में 10,600 के नीचे के स्टॉप होंगे और अपसाइड में करीबन 11,550 का एक नया लक्ष्य लेके चला जा सकता है, यानी 11,500 के ऊपर के स्तर हमें आने वाले कुछ समय में देखने मिलेगा। जी ये समय जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन पर आपकी क्या राय है, क्योंकि सोयाबीन में हमने 6,800 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए देखे हैं, लेकिन वहां पे फिर प्रॉफिट बुकिंग मंदी नजर आई जो कि कीमतों के नीचे में 6,200-6,300 तक लेके गई, और अभी भी देख रहे हैं कि सोयाबीन उसी रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या सोयाबीन में यहाँ से अभी गिरावट बनेगी या फिर तेजी? देखिए पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लार्जर रेंज जो है वो 6,000 से 6,700 तक की बनी हुई है, काफी बड़ा दायरा है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे मेरा यही मानना है कि 5,600 से 5,700 के स्तर जब तक बाजार होल्ड कर पा रहा है तब तक तेजी का रुख है। शॉर्ट टर्म में 6,050 के लोस थे तो वहां तक प्राइसेस दोबारा दिख सकती हैं, वहां पर अगर देखने मिले तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो है 5,700 के नीचे के स्टॉक लेकर बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 6,700 का होगा और मुझे लगता है कि पोजिशनल व्यू अभी भी करीबन 7,000 का मैं मेंटेन रखना चाहूंगा, तो इस डिप का फायदा उठाया जा सकता है बाई में। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि सीपीओ और रिफाइंड ऑयल में जो जो एक इमीडिएट तेजी का रुझान था वो आज नेगेट हो गया है, क्योंकि 1,080 के ऊपर मेरा मानना था सीपीओ तेजी में रहेगा और सिमिलरली 1,190 के ऊपर जब तक रिफाइंड ऑयल है तब तक तेजी में रहेगा, लेकिन उन दोनों में फिलहाल मैं तेजी करना अवॉइड करूंगा। सोयाबीन में हालांकि मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन की और नरमी आने के बाद में बाजार फिर से जो है पेस पकड़ सकता है अपसाइड के लिए, और 6,600 से लगभग 7,000 के स्तर हमें आने वाले कुछ 2 से 3 हफ्तों में दिखाई दे। जी ये समय जी बात करें अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है? M6 कॉटन में भी जो एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान की बात हो रही थी वो हमें देखने मिला है, जहां हमने 31,000 के नीचे के भी स्तर देखे थे, फिलहाल 31,700 के करीब ट्रेड हो रहा है जनवरी वायदा, और सिमिलरली जो दिसंबर वायदा है वो भी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। मुझे लगता है कि जनवरी वायदा अगर हम देखें खास करके, तो मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर हमें 32,500 से 32,800 के स्तर देखने मिलेंगे, यानी जो रिसेंट हाई थे वो दोबारा देखने की आशंका बनी हुई है। जी अमित जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? जी अमेरिका से टॉपिक में मैं फिलहाल हल्दी में ही देना पसंद करूंगा, 8,850 के करीब बाय किया जा सकता है और करीबन 9,100 के टारगेट लिए जा सकते हैं इमीडिएट तौर पर। सिमिलरली बिनौला कल में 2790 के करीब बाय करके 2720 के नीचे स्टॉप लेकर इमीडिएट तौर पर 2950 से 2970 के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो अमित जी ने जो टॉपिक्स बताए हैं आप उन पर स्ट्रेटेजीज बनाकर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं, उन्होंने जो आपको लेवल्स दिए आप उन लेवल्स पर वही स्ट्रेटेजीज बनाकर चल सकते हैं और वो जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम से ही।